हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C20 फ़ोन में आप लोग फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C20 फ़ोन है और उस फ़ोन में जो है आपका बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे कि हैंगिंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम, या कुछ इरोर देखने को मिल रहा है, कैमरा इरोर, या वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, या यूट्यूब नहीं चल रहा है, या ईमेल में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मतलब अपने फ़ोन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की नहीं। तो अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कुछ देखने को मिल रहा है, तो इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। तो अगर आप लोगों को फैक्ट्री रीसेट करना नहीं आता है गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा गाइस आप लोगों को कि कैसे आप लोग अपने रियलमी C20 फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। तो देख सकते हैं गाइस, ये रहा सेटिंग्स का ऑप्शन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का। तो इस सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन होगा, तो इस रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर रीसेट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर से रीसेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है गाइस, आपका जो रीसेट का ऑप्शन है यहाँ पर सिस्टम में नहीं है, तो आप लोगों को मैं और एक ईजी स्टेप्स बता देता हूँ गाइस कि कैसे आप लोग रीसेट के ऑप्शन को ढूंढ सकते हो। सेटिंग्स में ही देख सकते हैं, एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए गाइस रीसेट। स्पेलिंग आप लोग मेरे फ़ोन में देख सकते हो। रीसेट लिखते ही एक ऑप्शन आएगा गाइस फैक्ट्री रीसेट का, इरेज ऑल डाटा देख सकते हो। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है एक ही क्लिक में। तो ऐसे करके आप लोग रीसेट ऑप्शन को ईजिली ढूंढ सकते हो। तो देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आया है, तो हम फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं अगर हम इरेज ऑल डाटा करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या इरेज हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोगों का गूगल अकाउंट इरेज हो जाएगा, एप्लीकेशन डाटा, सेटिंग्स वगैरह जो भी किए थे वो सब डिलीट हो जाएगा, डाउनलोड किए हुए ऐप्स, म्यूजिक, फ़ोटोज़ डिलीट हो जाएंगे, अदर यूज़र डाटा भी डिलीट हो जाएगा। और आपके फ़ोन में जो है इरेज ऑल डाटा करने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो 20% से कम चार्ज होगा तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए चार्ज को ज़्यादा रखिए। उसके बाद अगर आप लोगों को जो है ये सब डाटा जो है इम्पोर्टेंट डाटा है आपके फ़ोन में, तो ट्रांसफ़र करवा लीजिए अपने लैपटॉप या दूसरे फ़ोन में। उसके बाद आप लोग इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे जो ये इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन है, इस इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अपना फ़ोन का जो पैटर्न लॉक है उसको डालने को बोला जाएगा, तो पैटर्न लॉक डाल दीजिए। डालने के बाद फिर से इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन आया है, तो फिर से इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो फ़ोन है वो पावर ऑफ हो जाएगा। पावर ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा गाइस थोड़ी ही देर में। ऑन होने में थोड़ा टाइम भी लग सकते हैं गाइस, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन जो है फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने में। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, क्योंकि ऑन होने के बाद अपने फ़ोन को जो है सेटअप भी करना है। अगर आप लोगों को सेटअप करना नहीं आता है गाइस, तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि गाइस कैसे आप लोग अपने फ़ोन को सेटअप कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस अपने फ़ोन के ऑन होने का, और सेटअप करना आप लोगों को सिखा देंगे ऑन होने के बाद। तो देख सकते हैं गाइस मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है, तो इसको अभी आप लोगों को सेटअप करना होगा। सेटअप करने के लिए देख सकते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर से आप लोगों को लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर से आप लोगों को सभी को एग्री करना होगा, तभी कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर से सभी को एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल डाटा यहाँ पर ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम इसको ऑन नहीं करेंगे गाइस, हम ऑफलाइन करेंगे, तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ वाईफाई का ऑप्शन आएगा गाइस, वाईफाई को भी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, हम सीधा नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आएगा गाइस, तो यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे जाना है गाइस। एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर से आप लोग फेस अनलॉक को लगा सकते हो, पासपोर्ट को लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर से किसी को भी नहीं लगाएंगे गाइस, क्योंकि ऊपर की तरफ एक स्किप का ऑप्शन है, तो हम स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रिकमेंडेड का ऑप्शन आएगा गाइस, ग्लेंस फॉर रियलमी पर्सनलाइज्ड सर्च, तो ये सब जो है आप लोग पढ़ के यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर से ये सब करने के बाद नीचे एक डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कुछ रिकमेंडेड एप्लीकेशन आए हैं, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर से इन सबको डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए, अगर बाद में डाउनलोड करना है तो लेटर ऑन वाईफाई पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर से इन सबको डाउनलोड नहीं करेंगे गाइस। ऊपर की तरफ एक स्किप का ऑप्शन होगा, तो हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम रियलमी UI, और नीचे एक ऑप्शन आया है गाइस गेट स्टार्टेड का, तो इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है, तो यहाँ पर जो ऑन हो गया अभी हमारा फ़ोन, अभी थोड़ा हैंग होगा चलाने में क्योंकि अभी हमने इसको फैक्ट्री रीसेट किया है गाइस। तो ऑन होने के बाद आप लोगों को चेक करना है गाइस कि जो भी प्रॉब्लम के लिए आप लोगों ने इस फ़ोन को जो है फैक्ट्री रीसेट किया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। फैक्ट्री रीसेट करने से गाइस वो प्रॉब्लम ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर इशू है, हार्डवेयर इशू तो सॉल्व नहीं होगा गाइस, लेकिन सॉफ्टवेयर इशू ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो गया, और अब हमारा फ़ोन जो है बहुत ही फास्ट भी हो गया, और जितने भी प्रॉब्लम थे सब सॉल्व भी हो जाएंगे। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C20 फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।